बंगाल चुनाव में आज रैलियों का देना मशाल। झारग्राम और बांकुड़ा में चुनावी सभाओं को करेंगे। रविवार की शाम बंगाल के खड़गपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने किया रोड शो। लोगों का भारी मानने ममता राज में बंगाल में करप्शन को तोड़ने की कई बार कहा, टोलाबाजी को रोकना हमारा मकसद। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जाएंगे पुरुलिया, दो रैलियों को करेंगे संबोधित। कल कोलकाता में ममता ने किया रोड शो। बीजेपी पर किए कई बार कहा, घायल शेर होता है और खतरनाक। ममता ने देश में लोकतंत्र पर हमले की कही बात, कहा हम कायरता दिखाकर नहीं मानी। व्हील चेयर पर ही ममता करेंगी पूरे बंगाल का दौरा, बोली बंगाल के लोगों को मुझसे ज्यादा दर्द। ममता के चोट मामले में चुनाव आयोग का सख्त फैसला, सुरक्षा निर्देशक विवेक सहाय निलंबन। चुनाव आयोग ने पूर्वी मिदनापुर के SP प्रवीण प्रकाश को भी किया सस्पेंड। बंदोबस्त में खामी के लिए केस दर्ज करने का निर्णय। पूर्वी मिदनापुर के DM विभु गोयल का भी तबादला, स्मिता पांडे बनेंगे नई जिलाधिकारी। मुख्य सचिव को 15 दिन में जांच रिपोर्ट देने का आदेश, 31 मार्च तक देनी होगी। चुनाव आयोग से मिले बीजेपी नेता अर्जुन सिंह, ममता बनर्जी की चोट का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग। बंगाल चुनाव के तीसरे और चौथे दौर के लिए जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, 3 मौजूदा सांसदों को टिकट। टोलीगंज से बाबुल सुप्रियो लड़ेंगे चुनाव। तारकेश्वर सीट से स्वपन दासगुप्ता भी। TMC से BJP में शामिल हुए विधायक राजीव बनर्जी डूमजूर से लड़ेंगे चुनाव। सांसद निशित प्रमाणी को भी टिकट। बंगाली फिल्म स्टार यश दास गुप्ता चंडीतला से ठोकेंगे तार। बेहाला ईस्ट से अभिनेत्री पायल सरकार उम्मीदवार। चिंचुला से BJP सांसद लॉकेट चैटर्जी को मौका। अलीपुरद्वार से अशोक लाहिड़ी होंगे प्रत्याशी। BJP को झटका, सुमन चैटर्जी और वैशाखी बनर्जी ने छोड़ा BJP, टिकट नहीं मिलने से नाराज की। सुनील अनुबंध मंडल का बयान, कोई BJP में नहीं रुकना चाहता, अब सांसद को दे रहे हैं MLA। सिंगूर में BJP उम्मीदवार ने किया प्रदर्शन, दो वरिष्ठ नेताओं का कई घंटे तक किया घेरा। कोयला तस्करी मामले में आज अभिषेक बनर्जी के रिश्तेदारों से पूछताछ। CBI ने उनकी साली के पति और ससुर को भी रहस्य। सुबह 11 बजे मेनका गंभीर के पति और ससुर को CBI ने बुलाया, पहले मेनका से भी हो चुकी है पूछताछ। कल देर शाम दुर्गापुर पहुंची ममता बनर्जी, व्हील चेयर पर हाथ जोड़कर समर्थकों का किया अभिवाद। आसनसोल में भी संयुक्त किसान मोर्चा का सम्मेलन, किसान नेताओं ने की BJP को वोट नहीं देने की अपील। नाडिया में TMC ने ममता की चोट को बनाया मुद्दा, उम्मीदवारों पर दिखी मुख्यमंत्री की व्हील चेयर वाली तस्वीर। TMC की एक और नेता स्वाति बनर्जी ने छोड़ी पार्टी, BJP में भी शामिल। 24 परगना में BJP और TMC में तकरार, दीवार पर पोस्टर चिपकाने को लेकर भिड़े दोनों पार्टियों के साथ। कांग्रेस ने बंगाल के लिए एक और लिस्ट जारी की, 34 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। सुप्रीमो शरद पवार की सियासी भविष्यवाणी, कहा 5 राज्यों में सिर्फ असम में जीतेगी BJP। केरल के लिए BJP ने जारी की 112 उम्मीदवारों की लिस्ट, सांसद के KJ अल्फोंस भी लड़ेंगे। BJP उम्मीदवारों की सूची में केरल BJP अध्यक्ष के सुरेंद्रन का भी नाम, 2 विधानसभा सीटों से। पुडुचेरी में कांग्रेस को झटका, BJP में शामिल हुए राज्यसभा से सांसद भी। यूपी BJP कार्य समिति की अहम बैठक, करीब 600 नेता कार्यकर्ता होंगे शामिल, राजनाथ सिंह का भी संबोधन। नदी को हादसे में गंभीर रूप से जख्मी केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक ठीक होकर गोवा से दिल्ली पहुंचे, संसद सत्र में होंगे शामिल। कमल हासन की कार पर एक शख्स ने हमले की कोशिश की, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। 2022 में होने वाले UP चुनाव के लिए अजहरुद्दीन ओवैसी का ऐलान, कहा दोबारा नहीं बनेगी योगी सरकार। BJP के चुनावी वादे पर बरसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कहा ना कॉलोनी पक्की हुई ना घरों का रजिस्ट्रेशन। पूर्व बॉर्डर पर किसान आंदोलन के बीच राहत भरी खबर, N24 पर दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाला एक फ्लाईओवर खोला गया। दिल्ली के सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर स्थायी मकान बनाने पर सिर्फ किसान मोर्चा ने किया किनारा, कहा ऐसा निर्माण नहीं करना। किसान आंदोलन और किसानों के समर्थन में आए मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, कहा किसानों की हालत खराब है, उनकी मांगों पर विचार करे सरकार। बागपत में एक समारोह में सत्यपाल मलिक ने कहा MSP को कानून के दायरे में करा दो तो मैं किसान आंदोलन को। इंजीनियर केस में गिरफ्तार सचिन वाजे को 25 मार्च तक NIA रिमांड, कड़ी पूछताछ की तैयारी। बीती रात NIA के दफ्तर में सचिन वाजे का मेडिकल चेकअप, जानकारी के मुताबिक परेशानी की वजह से रात को बुलाया गया डॉक्टर। सुनवाजे के वकील ने कोर्ट में कहा उनकी गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं, सिर्फ संदेह के आधार पर NIA ने पकड़ा। को लेकर गरमाई महाराष्ट्र की सियासत, BJP ने की वाजे का नार्को टेस्ट कराने की मांग। विमान पर शिवसेना का पलटवार, कहा मुंबई पुलिस को बदनाम करने की साजिश रची गई। फायरिंग मामले के आरोपी आयुष की पत्नी ने दी सुसाइड की धमकी, कहा मैं जा रही हूँ तुम खुश रहना। वायरल वीडियो में आयुष की पत्नी ने मौत का जिम्मेदार आयुष और उसके घर वालों को बताया आज तक नहीं करता। नोएडा के दादरी में 170 KG शराब जब्त, एक आरोपी भी गिरफ्तार। फतेहपुर में जहरीली शराब से दो की मौत के बाद हाई अलर्ट पर पुलिस, भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त, दो हिरासत। नोएडा के BJ3 में सब्जी खरीदने गए दंपति से कार लूट कर बदमाश फरार, गन पॉइंट पर वारदात, आरोपी को सुरक्षित। मुस्लिम इलाके में प्रॉपर्टी विवाद में अपहरण की कोशिश, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्रदेश के आगर मालवा में गेहूं के खेत में भीषण आग, लाखों की फसल खाक।
तुम्हें घर में सो रही महिला पर चाकू से हमला, शराब के लिए पैसे नहीं देने पर पति ने किया हमला, हत्या की कोशिश का केस दर्ज। नवाब में चुनाव से पहले 16 बम जब्त किए गए, बम निरोधक दस्ते की कब्जे में। पूर्वी चंपारण में दीवार गिरने से 2 महिलाओं की मौत, एक बच्ची समेत 4 अन्य मले आए। मालदा में चोरी के शक में 3 युवकों की लोगों ने की जमकर पिटाई, किया पुलिस के हवाले। पिताकोटी में खाया जहर, बेटी की मौके पर मौत। रायबरेली में नहर में नहाने गए 2 छात्र डूबे, तेज बहाव की वजह से अब तक 19 सुरक्षा। में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा, नोएडा से पुलिस ने 4 को किया गिरफ्तार। कई सामने में लिस्ट देकर यात्रियों से लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार। आरोपियों से 2 कार, हथियार और कैश बरामद। मेरठ में बाइक सवार 2 युवकों ने छात्रा पर किया हमला, लोगों ने पकड़कर की पिटाई। ACP ब्रांच पुलिस अधिकारी रंगे हाथ गिरफ्तार, रेप केस की पीड़ित के शोषण का आरोप। नोएडा के सेक्टर 58 में व्यापारियों से ठगी करने वाले 2 छात्र गिरफ्तार, फर्जी कंपनी बनाकर करते थे वारदात। एक लड़की ने किया सुसाइड, मनपसंद लड़के से निकाह नहीं होने पर जान देने का। हाथरस में टेम्पो कमीशन को लेकर विवाद में युवक को मारी गोली, घायल युवक को अलीगढ़ रेफर किया गया। दस गोले के साथ के बहाने जहरीले पदार्थ चुराकर लूटने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। संगमानी में युवक का अपहरण कर नाक काटने की कोशिश, वीडियो वायरल। संजय सीकर में नशे के कारोबार पर पुलिस का शिकंजा, अफीम के 2600 से ज्यादा पौधों के साथ आरोपी के। संगरूर में शर्मनाक वाकया, चोरी के आरोप में 4 बच्चों को रस्सी से बांधकर गांव में घुमाया। देश में कोरोना के ग्राफ में इजाफा जारी, अब नए केस के 26,000 के पार। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चिंताजनक हालात, 24 घंटे में 16,620 नए मामले सामने। आज में एक दिन में 50 मरीजों ने तोड़ा दम, राज्य में 1,26,000 से ज्यादा हुए सक्रिय केस। कोरोना की तेज लहर, 1,740 नए मरीजों से मचा हड़कंप, 17 लोगों की गई जान। औरंगाबाद में मिले 1,023 नए मरीज, अस्पतालों में बेड बढ़ाने के निर्देश। 24 घंटे में 407 नए मरीजों की पुष्टि, 2 कोरोना मरीजों की मौत। 440 नए मामले, राज्य में आज से बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन प्लान, बढ़ते कोरोना ग्राफ पर रोक लगाने का प्लान। लगातार बढ़ते मामलों को लेकर मुख्य सचिव ने की बैठक, टेस्टिंग बढ़ाने और कंट्रैक्ट ट्रेसिंग पर दिया। के राजगढ़ में उर्स मेले में दिखी लापरवाही, बिना मास्क के दिखे इंसान। होली की भीड़ को देखते हुए गया में रेलवे सतर्क, स्टेशन पर यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू। वैसे पूरी तरह लॉकडाउन, सिर्फ जरूरी सेवाओं को राहत, 21 मार्च तक के लिए फैसला। 2022 में होने वाले पंजाब चुनाव के लिए सुखविंदर सिंह बादल का ऐलान, जलालाबाद से लड़ेंगे चुनाव। 171 युद्ध की गोल्डन जुबली पर देशभर में कई कार्यक्रम, सेना के 1971 दाक्ष के लिए दिल्ली के वॉर मेमोरियल में दी गई श्रद्धांजलि। हरिहर आश्रम और निरंजनी अखाड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, बोले महाकुंभ में कोई पीट में पकड़ा गया तेंदुआ, वन विभाग ने बेहोश कर पिंजरे में किया। अहमदाबाद के दूसरे T20 मैच में भारत ने इंग्लैंड को दी 7 विकेट से करारी शिकस्त, 13 गेंद बाकी रहते हासिल किया 165। भारतीय ओर से कप्तान कोहली की शानदार पारी, महज 49 गेंदों में बनाए नाबाद। पहला अंतर्राष्ट्रीय T20 खेल रहे ईशान किशन का भी धमाल, महज 32 गेंदों में 4 छक्कों के साथ बनाए 56 रन। पंत ने भी खेली 26 रन की ताबड़तोड़ पारी, लेकिन शून्य पर आउट हुए KL राहुल। की ओर से जेसन रॉय ने बनाए सबसे ज्यादा 46 रन, 5 मैचों की सीरीज में दोनों टीम फिलहाल 1-1 से बराबर। में बर्फीला संकट, लगातार बर्फबारी से हालात बिगड़ने के बाद सैकड़ों उड़ाने रद्द, की वजह से सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत, कई जगहों पर फंसी दिखी गाड़ियां। ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर में एक महिला की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन, हजारों की संख्या में सड़क पर उतरी। उसके कालुगा में स्थानीय बर्फ के मौके पर लकड़ी का टावर बनाकर दहन, कोरोना काल में लोगों ने इसे दिया वैक्सीनेशन टावर का नाम। समारोह में बंदूकधारी ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, 15 लोगों को लगी गोली, 2